नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी टेक न्यूज़ की एक और फ्रेश एपिसोड में। मैं हूँ कुंशल, लेके आपके लिए कमाल की टेक न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि iPhone 10 के ऊपर फेस आईडी कैसे वर्क करती है, कैसे उसमें जो सिस्टम्स आपके फेस को 3D रिकॉग्नाइज करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है इमेज कैप्चर, तो यानी जो फेस आईडी का कंपोनेंट है वो सबसे पहले लाइट की जो कॉम्बिनेशंस होती है उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें दो पार्ट होते हैं, प्रोजेक्टर्स एंड सेंसर्स। तो वो आपके फेस के एक सेवरल पिक्चर्स देते हैं और उनको कलेक्ट करके ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम के नाम से एक सिस्टम है, उससे वो वर्क करते हैं। उसके बाद अगर आपकी फेस आईडी सेटअप करनी है आपको iPhone 10 के ऊपर, तो आपको ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शंस, यानी सपोज अगर उसने बोला कि आपके पूरे चेहरे को घुमाए, तो आपको पहले पूरे चेहरे को एक सर्कल में घुमाना पड़ेगा ताकि वो जो कैमरा है वो एक मल्टीपल शॉट्स ले सके, ताकि आपके चेहरे की एक 3D मैपिंग हो। उसके बाद वो एक इंफ्रारेड लाइट यूज़ करता है जो आपके फेस के ऊपर इल्यूमिनेट होती है इमेजेस लेते वक्त, ताकि वो अगर रात भी हो जाए, अगर आप रात में भी अगर आपके फ़ोन की तरफ देखो तो फ़ोन अनलॉक होना चाहिए, उसके वजह से वो एक इंफ्रारेड लाइट छोड़ता है। उसके बाद यानी काफ़ी होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स भी काफ़ी होते हैं, जैसे इंफ्रारेड कैमरा है, फ्लड इल्यूमिनेटर मिलेगा आपको, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिडेंट लाइट सेंसर, स्पीकर, माइक्रोफोन, फ्रंट कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं। उसका जो इंफ्रारेड लाइट है वो एक नॉन विजिबल होता है, यानी एक आपको दिखेगा नहीं जल्दी, जो एक कंपनसेट करता है एक इफेक्ट को, जो बैकग्राउंड में एक लाइट होती है वो लो लाइट होती है। तो अगर आपको जैसे इमेज में दिख रहा होगा कि आपके एक चेहरे की एक लाइट तैयार होती है आगे, उसके बाद जो प्रॉक्सिमेटरी सेंसर है और एम्बिडेंट लाइट है वो एक ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम को हेल्प करता है कि कितना इल्यूमिनेशन होना चाहिए फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, यानी कितनी लाइट होनी चाहिए। फिर दूसरा आता है जो फ्लड इल्यूमिनेटर है, वो एक इंफ्रारेड लाइट प्रोड्यूस करता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, वो नेकेड आई को यानी काफ़ी हद तक विजिबल नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा जो आपके फेस को इल्यूमिनेट करेगा। उसके बाद जो डॉट प्रोजेक्टर है वो 30,000 से भी ज़्यादा डॉट प्रोड्यूस करेगा इनविजिबल IR लाइट को, ताकि वो एक 3D मैप बना सके आपके फेशियल का। उसका जो इंफ्रारेड कैमरा है वो आपके इमेजेस कैप्चर करेगा और उसका डॉट पैटर्न बनाएगा, ताकि आपके अगर चेहरे में कुछ भी थोड़ा सा लग जाए तो भी आपका चेहरा पहचान में आ जाए, तो वो होगा। उसके बाद इसमें A1 बायोनिक सिस्टम यूज़ हुआ है, या फिर आप कह सकते हो एक बायोमेट्रिक सिस्टम यूज़ हुआ है जो बायोलॉजिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स से आती है, तो काफ़ी अच्छी थी। यानी उसके बाद जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो उसमें काफ़ी सिक्योरिटी, अगर कोई आपका चेहरा लगा भी ले ऊपर से मास्क तो भी आपका फ़ोन यानी अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि उसके पास पूरी स्कैनिंग रहेगी आपके चेहरे की। इन स्पेक अगर आप बाल का हेयर स्टाइल भी चेंज करते हो तो भी हो जाएगा, अगर आप स्पेक्स भी लगाते हो तो भी आपका हो जाएगा। लेकिन काफ़ी यानी जब इवेंट लॉन्च हुआ था, इवेंट में भी एक फेल्योर आया था, पर जब iPhone 10 आ चुका है मार्केट में यानी बाकी कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी यानी न्यूज़ आई कि काफ़ी यानी बार फेल्योर हुआ था। तो देखते हैं अभी iPhone इसके आगे क्या एक्शन लेता है, या फिर देखते और कितना हो सकता है। लेकिन ये काफ़ी सिस्टम काफ़ी फास्ट है, पॉइंट कुछ चार या यानी आप कह सकते हो 0.4 नैनो सेकंड, यानी जैसे आपका मुंह अपने चेहरे के सामने लगा अनलॉक हो जाएगा फ़ोन, यानी टाइम नहीं लगाएगा कि भाई पहले पूरी स्कैनिंग करेगा फिर आपका फ़ोन अनलॉक होगा, वैसे कुछ टाइम नहीं लगाएगा। तो और सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपका जगह कोई दूसरे चेहरे वाला भी देखे डिट्टो तो भी वो पहचान, फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। तो शुक्रिया दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।